हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पिक माय वर्क के टाइट प्रोजेक्ट पे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर में टाइट प्रोजेक्ट है क्या और उसमें करना क्या होता है। SMEs या छोटे बिजनेसेस या फ्रीलांसर्स, इन सब के लिए है ये टाइट, क्योंकि भारत में ये लेके आया है एक्सपेंस अकाउंट, ताकि बिजनेस से रिलेटेड आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे उनकी आपको सही तरीके से जानकारी हो। रुपे के कोलैबोरेशन के साथ टाइड लाया है अपना एक्सपेंस कार्ड, और ये एक्सपेंस कार्ड आप उन हर मर्चेंट के साथ जो रुपे एक्सेप्ट करते हैं यूज कर सकते हैं। ये कार्ड आप अपने टाइड ऐप के जरिए कहीं पे भी लॉक, अनलॉक या ब्लॉक कर सकते हैं अपने बिजनेस परचेसेस के लिए। साथ ही साथ ये एक्सपेंस कार्ड आप उन हर जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पे रुपे एक्सेप्ट करते हो, फॉर योर ऑनलाइन या तो ऑफलाइन परचेस के लिए। यानी कि टाइड एक्सपेंस कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी बिजनेस को एम्पावर करने के लिए उनके प्रीपेड कार्ड के जरिए, ताकि वो अपना एक्सपेंसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, आइए समझते हैं एज अ पिक माई वर्क पार्टनर आप टाइट प्रोजेक्ट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क एप्लीकेशन खोलते हैं। होम स्क्रीन पे आपको अदर्स की कैटेगरी पे चूज करना है। उसके बाद आपको चूज करना होता है टाइट रिवॉर्ड्स पास। इस प्रोजेक्ट के अंडर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए गए हैं। आप शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर के बटन पे क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप की भेज देते हैं अपने कस्टमर या मर्चेंट को। आपके मर्चेंट या कस्टमर जब व्हाट्सएप के थ्रू जाके ये लिंक पे क्लिक करता है तो ये आपको रीडायरेक्ट कर लेता है गूगल प्ले स्टोर में, जहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप टाइट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना ये है कि जब आप ओपन करते हो टाइट एप्लीकेशन तो रेफरल कोड में आपको REW500 ये याद से डालना है, ताकि पता लग पाए कि आप हो। तो टाइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उनका फर्स्ट प्रोसेस रहता है कि उन्हें साइन अप करना होता है, जहाँ पे कस्टमर को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपके गिवन ईमेल एड्रेस में एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा। ये वेरिफिकेशन मेल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आपके अकाउंट सेटअप के लिए। एक बार जब आप ये वेरीफाई हो जाता है तो आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ता है और 14 कैरेक्टर्स। उसके बाद जो प्रोसेस होता है, आपको अपने बायोमेट्रिक्स देने होते हैं। आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, जिसके बाद आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब फिल आउट करने होते हैं। यहाँ पे आपको आपके पैन कार्ड के डिटेल्स भी पूछा जाएगा, जिसके बाद हमें पता चलेगा कि द गिवन डिटेल्स पैन कार्ड के साथ मैच करते हैं या नहीं। इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको फिल आउट करना होता है। ये आपका रहता है परमानेंट एड्रेस, और अगर कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम होता है एज परमानेंट एड्रेस तो आप सेम एज अबव कर सकते हैं या तो चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका एक्सपेंस कार्ड डिलीवर होगा। एड्रेस के बाद आपको आपके कंपनी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फिर अपने कंपनी नेम के अंडर आप अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। एक बार आप अपना कंपनी के सारे डिटेल्स फिल आउट करते, कंपनी एड्रेस, बिजनेस कैटेगरी, आपका जो कंपनी है कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये सब सारे डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड कंपनी डिटेल्स वेरीफाई होने के लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाता है, जिसके बाद आपका साइन अप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस रहता है, इसमें रहता है आपको वीडियो KYC करनी होती है। तो वीडियो KYC के लिए ये ध्यान में रखिए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके साथ हो, और मेक श्योर कीजिए कि आपके सारे डिटेल्स जो फिल आउट किए हैं वो सब सही हो, और आधार एक से मिल जैसे 3 दिन से पुराना ना हो। आपके फर्स्ट स्टेप में आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होता है, जिसके लिए आपको डिजी लॉकर के थ्रू साइन अप करना होता है अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करके। अपने आधार कार्ड से लिंक्ड जो आपका मोबाइल नंबर है, इसी मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। ये OTP जब आप डालते हो एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपका डिजी लॉकर KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अपने पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड करना होता है
मेक श्योर कीजिए कि ये फोटो क्लियर हो। इसके बाद आपको एक वीडियो कॉल सेटअप करनी होती है एजेंट के साथ। यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो बात करने के लिए आप वो चूज कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी के पहले ये ध्यान में रखिए कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन ना हो, और अगर कुछ इंटरप्शन हो जाए तो आप इस कॉल को रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी आपका लास्ट स्टेप रहता है, जिसके बाद कांग्रेचुलेशंस, आपका टाइड अकाउंट सेटअप हो जाएगा। टाइड अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके कस्टमर वो अकाउंट खोलने के बाद वो 500 रुपीस डिपॉजिट करे। इस 500 रुपीस से उन्हें सब्सक्राइब करना होता है टाइड रिवॉर्ड पास से, जिनसे वो एंजॉय कर सकते हैं हायर कैशबैक, जैसे कि 4 लाख के स्पेंड पे 12,000 का कैशबैक और 6 लाख के स्पेंड पे 19,000 का कैशबैक। उसके बाद आपको पिक माई वर्क की तरफ से आपका पे आउट मिल जाता है। और ऐसे और भी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।